आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ अ वाउचर, यानी इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे वाउचर क्या होता है और ये किस तरह से बनाया जाता है और फिर हम लोग इसका फॉर्मेट चेक करेंगे। तो वाउचर होता क्या है, पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। वेंडर हम कहते हैं जिस पर्सन से हम चीज़ को ख़रीद रहे हैं, जो चीज़ें हमें बेच रहा है वो वेंडर होता है। और वो क्या करता है, वो हमें इनवॉइस इशू करता है उन चीज़ों की जो चीज़ें हम उससे ख़रीद रहे होते हैं और हमें उस इनवॉइस पर अमाउंट पे करनी होती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हमने कुछ बुक्स ख़रीदी हैं। अब जो बुक्स हमने ख़रीदी हैं, बुक्स जिससे ख़रीदी हैं उसको हम कहेंगे वो है वेंडर। अब बुक्स हमने ली हैं ₹20,000 की और इसने हमें बिल या इनवॉइस बनाई ₹20,000 की और इसने हमें ये इनवॉइस दे दी कि ये अमाउंट आप पे कर दें और हमें ये अमाउंट पे करनी है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी कंपनी है और कंपनी ने ये बुक्स ख़रीदी हैं। अब कंपनी क्या करती है, पेमेंट करने से पहले उसने कंपनी ने क्या करना है, वो डिपार्टमेंट जो कि चेक्स इशू करता है या कैश पे करता है, उस डिपार्टमेंट ने अमाउंट इशू करने से पहले अप्रूवल लेना है और फिर वो ये करेंगे कि जो अमाउंट पे करनी है, जिसका इनवॉइस आई है, उससे रिलेटेड वाउचर बनाएंगे। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी वाउचर बना रही है और वाउचर को देखकर फिर अपने पास अकाउंट्स में सारी रिकॉर्डिंग करनी है और इस इनवॉइस के अगेंस्ट अमाउंट पे करनी है। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो परचेजर कंपनी है, बुक्स या चीज़ें या स्टेशनरी या राइटिंग पैड, हम कुछ भी कह सकते हैं, जो भी चीज़ परचेज कर रही है उसका अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट जो कि पेएबल को डील करता है, यानी जो अमाउंट्स पे करनी है उनको डील करता है, और अकाउंट पेएबल का अकाउंटेंट वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी वाउचर को देखकर वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा और वाउचर बनाकर उस पर अप्रूवल लेगा हायर अथॉरिटी से कि ये अमाउंट जो पे करनी है उससे रिलेटेड ये हमारा वाउचर है, वो तस्दीक करेगा कि ये अमाउंट वाकई हमने इनकी पे करनी है और फिर ये जो हायर अथॉरिटी है वो साइन करेगी और इस पर्सन को, वेंडर को, अमाउंट इशू कर दी जाएगी। अब वाउचर का फॉर्मेट क्या होता है और वाउचर के फॉर्मेट को फिल किस तरह से करते हैं, इस पे क्या लिखेंगे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारे पास पेमेंट वाउचर और इस पर पेमेंट वाउचर नंबर लिखा होगा। कंपनी में हमने डिफरेंट लोगों की पेमेंट्स करनी है, डिफरेंट वेंडर्स हैं जिनसे कंपनी चीज़ें लेती है, तो हम लोग डिफरेंट वेंडर्स को जो पेमेंट वाउचर इशू करते हैं तो हर जो बुक होती है वाउचर की उस बुक पर डिफरेंट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो पेमेंट वाउचर नंबर है ये है 01234, अज्यूम कर लेते हैं ये नंबर ये है। इसके बाद हमने जितनी अमाउंट पे करनी है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो अमाउंट हमने पे करनी है वो है PKR, करेंसी है और अमाउंट है 20,000। इसके बाद जिस डेट को हम ये वाउचर बना रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी, अज्यूम करते हैं ये है 25/7/2019। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम लोग ये जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक का नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर, ये लिख लेते हैं ऐसे, ये है हमारे चेक का नंबर जिस चेक के थ्रू हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग चेक के थ्रू नहीं कर रहे, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे और कैश के सामने हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि अमाउंट हम ऊपर लिख चुके हैं। इसके बाद ये अमाउंट किसको इशू की जा रही है, यहाँ पर जो वेंडर है उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं ये है मिस्टर खान, इसको हम लोग ये अमाउंट जो है वो दे रहे हैं, ये है हमारा वेंडर। द सम ऑफ, अब ये अमाउंट कितनी है, 20,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20,
यहाँ हमने लिख दिया 20,000 ओनली, यानी 20,000 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे हैं। अब पे ही में हम लोग, अब मिस्टर खान को ये चेक इशू किया जा रहा है, उनके वो हैं वेंडर। अब ये भी हो सकता है कि वो खुद ये हमसे जो है वो अमाउंट वसूल करें, या ये अमाउंट उनके बिहाफ पर कोई और वसूल करेगा। जिसको ये अमाउंट दी जाएगी उसका नेम यहाँ पर लिखा जाता है। हम अज्यूम करते हैं ये वही हैं जो कि मिस्टर खान हैं, जो कि वेंडर हैं। ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब बींग, यहाँ हम लिख देते हैं बींग परचेज्ड ऑफ बुक्स, हमने इनसे बुक्स परचेज की थी और उसके अगेंस्ट हम ये अमाउंट दे रहे हैं। इस तरह हम ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये हमारी कंपनी के अंदर अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के अंदर जो अप्रूव करेगा, जो अप्रूवल अथॉरिटी है, यहाँ पर उसके साइन कर दिए जाएंगे। अब जो यहाँ पर इस कंपनी में कैशियर है या जो इशू करता है चेक, यहाँ पर उसके साइन हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट वाउचर को जो वसूल करेगा, जो इनवॉइस पर अमाउंट को वसूल करेगा, उसके साइन कर दिए जाएंगे, वो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो इस तरह से पेमेंट वाउचर बनाया जाएगा और फिर इस पेमेंट वाउचर पर अप्रूवल लिया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी इनवॉइस हमें दे हम लोग उसको रीचेक करेंगे, काउंटर चेक करेंगे कि वाकई ये इनवॉइस बनती है, इतनी चीज़ें हमने ली हैं, और फिर उस पर पेमेंट वाउचर बनाएंगे, अप्रूवल लेंगे। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर उस इनवॉइस पर जो कि हमारे पास मौजूद है अमाउंट पे कर दी जाएगी। और जिस वक्त इस वाउचर पर पेमेंट कर दी जाएगी तो इस वाउचर पर फिर क्रॉस लगाकर, इस तरह से इस पर निशान लगाकर इसको फिर साइड में रख दिया जाता है, ताकि ये याद रहे कि इस वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट हो चुकी है और दोबारा इस वाउचर पर कोई पेमेंट वसूल ना कर सके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा वाउचर क्या होता है और ये वाउचर क्यों बनाते हैं और अकाउंटेंट बनाता है अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से इस पर चीज़ों को फिल किया जाता है, ये हमने इस वीडियो में सीखा।